बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। जिस तरह अकबर के दरबार में तानसेन थे, मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने रफी साहब को हमारे लिए भेजा था। उनकी आवाज का, उनके संगीत का मजा लिए जा रहे हैं, उनको कोई भूल नहीं सकता। आने वाली अभी अभी तो आई हो, अभी अभी नींद नहीं आई। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं रफी साहब और जितेंद्र जी के वो सभी सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स जो आपको YouTube पर भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले 1967 में आई फिल्म फर्ज, इसमें तीन गाने गाए। पहला गाना मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। दूसरा गाना बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तीसरा गाना जो सुमन जी के साथ है, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। फिर 1967 में आई फिल्म गुनाहों का देवता, इसमें एक गाने गाए, को तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे। फिर 1968 में आई फिल्म औलाद, इसमें चार गाने गाए। पहला गाना के बहार आई है तुम्हारे नाम से। दूसरा गाना जो लता जी के साथ है, अरमां था हमें जिनका वो प्यार के दिन आए। तीसरा गाना जो इसी के पार्ट टू है, अब दिल में न मचलेगा दीवाना कोई दिल। चौथा गाना जो लता जी के साथ है, नाजुक नाजुक बदन मोरा हाय चुभ चुभ जाए रे तोरे नैन संवरिया। और ये है रफी साहब के बोल, जल हमसे गोरी अब किस काम की, धड़कन मन में तेरी मेरे नाम की। फिर 1968 में आई फिल्म मेरे हजूर, इसमें पांच गाने गाए। पहला गाना जरा नकाब उठा दो। दूसरा गाना जो इसी के पार्ट टू है, दुख से जरा नकाब उठा दो। तीसरा गाना गम उठाने के लिए, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। चौथा गाना क्या क्या ना सहे, क्या क्या ना सहे हमने सितम। पांचवा गाना फलक पे जितने सितारे, फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए। फिर 1969 में आई फिल्म दो भाई, इसमें पांच गाने गाए। पहला गाना जीना है तेरा बनकर, मरना है तेरे दर पर। अगले दो गाने जो आशा भोसले जी के साथ है, एहदे वफा कर ले। तीसरा गाना गीत नहीं बन सकते, गीत नहीं बन सकते कुछ साथ ऐसे। और ये है रफी साहब के बोल, तारक आपको ये दिन खुशियों भरा। चौथा गाना इस दुनिया में, इस दुनिया में ओ दुनिया वालों। पांचवा गाना तुझसे हो जाए ना, तुझसे हो जाए ना कुछ बुराई। फिर 1969 में आई फिल्म धरती कहे पुकार के, इसमें एक गाना गाएं, धरती कहे पुकार के। फिर 1969 में आई फिल्म जीने की राह, इसमें सात गाने गाए। पहला गाना आने दे उसके आए बहार। दूसरा गाना जो इसी के पार्ट टू है, आने दे उसके आए बहार। तीसरा गाना जो इसी के पार्ट थ्री है, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। चौथा गाना एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए
जीवन के गीत सुनाए। पांचवा गाना जो इसी के पार्ट टू है, सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। छठा गाना जो लता जी के साथ है, मेरे हम झोली आ खेले आंख में झोली आ। सातवां गाना जो आशा जी, उषा जी और हेमलता जी के साथ है, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल। रफी साहब की शाम में ये याद में ये शाम है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है हम उसे याद करते हैं जिसे भूल गए हो, और रफी साहब को कोई भूल नहीं सकता। फिर 1969 वाली फिल्म जिगड़ी दोस्त, इसमें पांच गाने गाए। पहला गाना, देश में पवन चले पुरवाई। दूसरा गाना जो इसी के पार्ट टू है, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। हम तो क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भूल नहीं सकती। उनकी आवाज में जो जादू था, जिस तरह अकबर के दरबार में तानसेन थे, मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने रफी साहब को हमारे लिए भेजा था। अगले दो गाने जो लता जी के साथ है, क्या है वो, कई लोग गले से गाते हैं, कई लोग दिल से गाते हैं। रफी साहब रूह से गाते थे, इसलिए उनकी आवाज रूह को छूती थी। चौथा गाना फूल है बहारों का, फूल है बहारों का, बाग है नजारों का। और ये है रफी साहब के बोल, यह किनारों की रात बेकरारों की। और जितना देखिए उनकी गायकी की तो मैं बात करना, मतलब सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात। पांचवा गाना जो सुमन जी के साथ है, सुहानी जाग रही है। फिर 1969 में आई फिल्म वारिस, इसमें चार गाने गाए। पहला गाना, बेचारा प्यार तुम्हारा। दूसरा गाना जो इसी के पार्ट टू है, बेचारा प्यार तुम्हारा। इतने साल हो गए रफी साहब को गए हुए, उनकी याद आज भी ताजा है, इसलिए कि उनके आवाज में वो जादू, वो कशिश थी। तो मैं उनकी आवाज के बारे में बोलूंगा तो ऐसा लगता है जो बाकी सब बोल रहे वही रिपीट करूंगा। तीसरा गाना जो लता जी के साथ है, और ये है रफी साहब के बोल, हम तो तब से खड़े दिलरुबा। चौथा गाना कभी कभी ऐसा भी, कभी ऐसा भी तो होता है। फिर 1970 में आई फिल्म माँ और ममता, इसमें चार गाने गाए। पहला गाना जो लता जी के साथ है, तेरे रूप ने ये काम किया। लेकिन ही वाज अ वेरी वंडरफुल, ऐसा जेन्युइन, इतना नेक इंसान मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा। दूसरा गाना जो हेमलता जी के साथ है, वो बंगले का मालिक हो। और ये है रफी साहब के बोल, जारी हुस्न का हूँ मैं ना दीवाना जवानी का। मैं एक किस्सा है जो लोगों को घड़ी घड़ी सुनाता हूँ, शायद आपने सुना होगा। नहीं सुना तो अभी सुना देता हूँ, सुना है तो फिर से सुन लीजिए। अगले दो गाने जो लता जी के साथ हैं, बेकरार है। मेरे जब मैं आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, सो व्हेन आई बिकेम एन एक्टर तो मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर आया, तो नेचुरली आई हैड टू गिव ऑक्यूपेशन टू माय ब्रदर एंड माय फादर आल्सो। सो वी स्टार्टेड अ फिल्म कंपनी कॉल तिरुपति पिक्चर्स, उसमें हमने काफी फिल्में बनाई, हम जोली, परिचय, खुशबू, अभी याद नहीं आ रही, ज्योति बने ज्वाला, दीदारे यार, वगैरह वगैरह वगैरह। चौथा गाना अपने नैनों को, अपने नैनों को समझा दे ये बात इन्हें तू बतला दे। तो मैं किस्सा सुनाता हूँ कि एक पिक्चर बनाई थी हमने दीदारे यार,
जो मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म, सबसे कीमती फिल्म, जिसको बनने में 4-5 साल लगे, और उस फिल्म की जब एडवांस बुकिंग खुली हुई, जिस दिन एडवांस बुकिंग शुरू की, मंडे को होती है, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज हो, तो पुलिस वाले ज्यादा थे कंट्रोल करने के लिए, लोग कम थे। फिर 1970 में आई फिल्म हम जोली, इसमें 4 गाने गाए। पहला गाना जो किशोर दा के साथ है, शुरू हो जा चला मुक्का जमा थप्पड़ लगा टक्कर। दूसरा गाना जो आशा जी के साथ है, चल गया दिन हो गई शाम। और ये है रफी साहब के बोल, अभी अभी तो आई हो। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ माई लाइफ। सो किस्सा वो नहीं है, किस्सा मैं कुछ और सुना रहा हूँ। किस्सा ये है कि उसका एक पहला गाना रिकॉर्ड हुआ तो रफी साहब ने गाया था। अभी मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 70s की। तो रफी साहब को 4,000 रुपये उन्होंने लिए मुझसे गाने के, ये 4,000 उस जमाने में वैल्यू थी पैसे की। अगले 2 गाने जो लता जी के साथ हैं, नींद नहीं चैन नहीं। और पिक्चर बनते बनते 4-5 साल लग गए। जो लास्ट गाना रिकॉर्ड किया, ऋषि कपूर और मैं थे उस पिक्चर में, तो किशोर कुमार और रफी साहब ने गाया। तो गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो प्रोडक्शन वाला मुझसे पूछने आया कि रफी साहब को क्या देना है। मैंने कहा जो किशोर दादा को दिया वही दो। बोले किशोर दादा ने 20,000 लिए, रफी साहब को भी 20 दो। खैर पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो रफी साहब के ब्रदर इन लॉ, वो उनके सेक्रेटरी थे, हिज ब्रदर इन लॉ वाज हिज सेक्रेटरी, वो मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला रफी साहब बहुत नाराज है। मैंने क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। 4th गाना टिक टिक टिक। और ये है रफी साहब के बोल, दिल की बातें सुना। वो मोबाइल तो था, फोन लगाया, हाँ जी रफी साहब, पंजाबी में बात करते थे। ओए जीते, बहुत पैसे आ गए तेरे को। क्यों है रफी साहब? उन्होंने 4,000 रुपए रखे, 16,000 रुपए जो 20 मिले थे उन्हें 16,000 रुपए वापस भेज दिए। फिर 1970 में आई फिल्म हिम्मत, इसमें 7 गाने गाए। पहले 2 गाने जो आशा जी के साथ हैं, पीने का जमाना आया बाबा बाओ, ओ जी ओ जीने का जमाना आया बाबा। आज के जमाने में आप सोच सकते हो, ऐसा नेक बंदा, ऐसा नेक इंसान, जितनी मैं उनकी बात करूं, जितनी उनकी तारीफ करूं, कम है। दूसरा गाना मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए, बात मेरे दिल की। मैं आज इतना खुश हूं कि मैं आज उनकी याद में ही आया हूं, और ये जरूर कह सकता हूं आप लोगों को देखकर कि आप भी रफी को चाहने वाले के। तीसरा गाना शुक्र है कि तू है लड़का, ए शुक्र के तू है लड़का, ओ तुझे देख मेरा दिल धड़का। सच्ची बताता हूं कि आज हम जो कुछ भी हैं, रफी साहब के गायकी की वजह से मैं बताऊं, आधे एक्सप्रेशन तो रफी साहब की आवाज में ही था, बाकी आधी एक्टिंग हम करते थे, आधी वो कर जाते थे। 4th गाना जो लता जी के साथ है, डस गई नागन सी जुल्फें तेरे। हम तो मुंह हिलाने पूरा दर्द वो बोल जाते थे, तो ये तो उनका कमाल था। 5वां गाना हिम्मत करे इंसान, करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। 6ठा गाना जो इसी के पार्ट 2 है, हिम्मत करे इंसान। 7वां गाना जो इसी के पार्ट 3 है, बात से डरते हैं वो अनजान है कितने। फिर 1970 में आई फिल्म खिलौना, इसमें 1 गाना गाएं, मैं शराबी नहीं। फिर 1970 में आई फिल्म जवाब, इसमें 3 गाने गाए। पहला गाना जो लता जी के साथ है, जिंदगी वो क्या ना प्यार जिसमें हो। फिर आशा जी और हेमलता जी के साथ 1 डुएट है, हस्ती गाती। और ये है रफी साहब के बोल, ये किसने
ने पुकारा किया दूर से इशारा ए जी बोलो। तीसरा गाना किस कारण जोगन। किस कारण जोगन जोग लिया भरी जवानी में ये कैसा रोग लिया। फिर 1970 में आई फिल्म नया रास्ता, इसमें 5 गाने गाए। पहला गाना कर इश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात। दूसरा गाना जो इसी के पार्ट टू है नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। तीसरा गाना ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। चौथा गाना जो आशा जी के साथ है और ये है रफी साहब के बोल भरे बीते तब आए कहीं होरी झिझक नहीं हमसे निकट आजा गोरी। पांचवा गाना अपने अंदर झांक। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन। फिर 1971 में आई फिल्म बनफूल, इसमें 2 गाने गाए। पहला गाना गुलाबी गुलाबी आंखों से तो पिला दे तो। दूसरा गाना ओ सपनों की रानी। ओ सपनों की रानी तो जहां। फिर 1971 में आई फिल्म चाहत, इसमें 1 गाना गाए लता जी के साथ तेरे दिल की सुन ले कहानी ओ दिल बे जानी। फिर 1971 में आई फिल्म कारवां, इसमें 4 गाने गाए। पहले 2 गाने जो आशा जी के साथ हैं कहां तेरा जैसे रे। दूसरा गाना जो इसी के पार्ट टू है अरे हो गोरिया कहां तेरा जैसे रे। अगले 2 गाने जो लता जी के साथ है जवानी मेरी ताल मस्ता। और ये है रफी साहब के बोल चौथा गाना कितना प्यारा वादा। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 के सभी सॉन्ग्स। अगले पार्ट में हम आपको इसके आगे के सभी सॉन्ग्स आपको दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।